मिस्टर राज वर्मा और मिसेस काजल वर्मा की रजामंदी पर यह अदालत हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत उनका तलाक मंजूर करती है। ऐसे हंसने की क्या बात है? ये क्या भेस बना रखा है? What, what? अरे ये क्या भेस बना रखा है? वही तो, अब हम बड़े पैसे वाले लोग हैं ना? बिल्कुल ठीक कहा। मेरी बेटी कितनी सुंदर दिखाई दे रही ना, ऐसा लगता है लक्ष्मी देवी मॉडर्न ड्रेस पर साक्षात धरती पे नीचे उतर आई है। लक्ष्मी देवी, वो भी बाल कटी हुई। दरअसल सारी लक्ष्मी जिसकी है उसे देखो, अपनी सादगी में कितनी सुंदर लग रही है। तुमने फिर इसका और उसका शुरू कर दिया। जब इन दोनों में तेरा और मेरा नहीं है तो फिर इसका और उसका कहां से आया? बाबूजी, आइए ना, आइए माँ। मम्मी, पहले घूम के सारा बंगला देख लो और ऊपर आके खाना खा लो, ओके? खाना तो बेटी हम घर से खा कर ही आए थे, बस तुम सबको देख लिया, हो गया। और मकान का क्या, चाहे बड़ा हो या छोटा, होता तो ईंट पत्थर का ही ना। चलिए थोड़ा खाना तो। चलिए चलिए। मम्मी। अच्छा बेटी मैं चलता हूँ, मेरा खाना उधार है तुझ पे। वेट, व्हाट इज दिस, ये सब क्या है? मम्मी मम्मी, ये तो हमारे पुराने घर का सामान है। नो, नई बंगले में पुराना टूटा फूटा सामान नहीं होना चाहिए। आई डोंट लाइक दिस। सब दीदी, ये सब मैंने मंगवाया है। व्हाई? सारी चीजें नहीं है, बस कुछ खास खास। मगर ये दीदी सब... राज ने बड़े प्यार से खरीदी थी तो उनका मन नहीं कर रहा था फेंकने को, इसलिए। ओह गॉड, ठीक है तो नीचे ही रखवा लो। मुझे तो यहाँ सब नया और फैंसी दिखना चाहिए। अरे भैया सुनिए, यहाँ लाइए नीचे मेरे कमरे में, आइए। जी अच्छा। काजल। ओह, आओ निशा, आओ। जिमी, को। देख लो, एक दिन जिस बंगले को मैंने अपना बताया था और तुमने अपना, आखिर वो मेरा ही हो गया ना। ये सारा फर्नीचर, साज सजावट, सब कुछ नया खरीदा है। बोलो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मजदूर लोग मेरा बाकी का सब सामान तो यहां से ले गए थे, लेकिन मेरे पति की तस्वीर यहां रह गई है, मैं वो खुद लेने आई हूं। ओह, ओके। एक्सक्यूज मी निशा, याद है एक दिन तुमने मुझसे कहा था
जो है जितना है उसी में खुश रहना सीखो, वरना जिंदगी जहन्नम बन जाएगी। वैसे तो खैर कुछ हुआ नहीं, उल्टा ऐसे लॉटरी लगी मेरी कि अब मैं तुमसे कहीं ज्यादा अमीर हूँ। नहीं काजल, मैंने अपने बीमार पति की जान बचाने के लिए बंगला बेचा है और तुमने अपने पति को बेच के बंगला खरीदा है। अब तो तुम मुझसे और भी ज्यादा गरीब हो गई हो। आओ देखो ये तो कमाल हो गया। काजल ये क्या है? मैं तो पागल हो रही हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बंगला खरीद लिया, गाड़ी खरीद ली, गहने साड़ियाँ बच्चों के कपड़े सब कुछ खरीद लिया, फिर भी इतने रुपए बच गए। तुमने मेरी जगह नोट बिछा रखे हैं काजल। इतने सारे नोटों की गड्डियाँ देखकर तुम्हें ऐसे नहीं लगता जैसे हम कोई सपना देख रहे हो? मुझे जागती आंखों से सपने देखने की आदत नहीं है। हटाओ इन्हें, मुझे सोना। अरे नहीं नहीं नहीं, आज तुम कहीं और जाके सो जाओ, प्लीज प्लीज प्लीज। आई मेरी अक्कल, आज तो तुम्हें जानवी के कमरे में जाना है, चलो। किस लिए? वही तो, जैसे तुम कुछ नहीं जानते, ज्यादा नखरे मत दिखाओ, चलो 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 नीचे जाओ। क्या बकवास कर रही हो, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। पाजी वाह, ताकि लोग ये कहें कि उस बेचारी भोली वाली लड़की को ठग लिया मैंने। अरे काजल तुम होश में तो हो? तुमने वादा किया तो जो मैं कहूंगी वो करोगे। काजल खुद भेज रही हूँ। हाय मेरे नोटों की गड्डिया। देखिए तो कैसे मुंह फुला के खड़े हैं, थोड़ा मुस्कुराइए जनाब, मुस्कुराने से सेहत अच्छी रहती है। क्या तुमने मुस्कुराने की भी कीमत चुकाई है? बहुत गुस्से में है। चीजों को गुस्सा वुस्सा नहीं आता। आपको चीज किसने कहा? कहना क्या है, एक ने बेच दिया दूसरे ने खरीद लिया, चीजी तो हूं। ऐसा मत कहिए प्लीज, मैं तो आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। अच्छा तो इसलिए 2 करोड़ रुपए कीमत चुकाई मेरी इज्जत की, तो अब बाकी चीजों के भाव भी तय कर लेते। मुस्कुराने का कितना रुपए दोगी? अगर तुम्हें सीने से लगा लूं तो कितना दोगी? 3 करोड़, 5 करोड़, और अगर तुम्हें यहां से ले जाकर बेडरूम में बिस्तर पर ले जाकर। मैंने सचमुच आपसे प्यार किया, आपको अपना लेने का जो भी तरीका मैंने सही समझा मैंने वो अपना लिया। हो सकता है मेरा तरीका गलत हो, लेकिन अग्नि के गिर आपके साथ जो फेरे मैंने लिए थे वो झूठ नहीं थे। ये मंगलसूत्र जो आपने मुझे पहना वो झूठ नहीं है। मजबूरी में डाला है, मजबूरी में डाला है। अगर बेईमानी करके घूस लेके लाखों करोड़ों रुपए कमाता तो बहुत सारे लोगों का नुकसान हो जाता, जबकि इस बेईमानी में सिर्फ मेरा नुकसान हुआ है, सिर्फ मैं बिका हूं। लेकिन तुम भी कोई फायदे में नहीं हो, बहुत घाटे का सौदा किया है तुमने। मुझे खरीद कर तुमने सिर्फ आंसू खरीदे हैं। अब बैठकर गिनो कितने में एक पड़ा। हाय मैं काजल बोल रही हूँ, मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ। आपने क्या पहना है? अच्छा और क्या हो रहा है? अच्छा मार्केट में पहली बार ये कार आई है, ठीक है ये भी खरीद लूंगी। मिसेस गोयल आप भी मिडिल क्लास वालों की तरह बात करिए। तैयारी कर दो ना। सॉरी सॉरी, आई एम सॉरी। क्या देख कुछ सुना नहीं, तेरे मोबाइल से बात करो ना, लाइन क्लियर नहीं है। एक मिनट, क्या बात है, मुझे डिस्टर्ब मत करो। हमें स्कूल जाना है, तैयार कर दो ना। कार क्यों भेजो? अरे बच्चों और आज के काम आएगा ना, उनके लिए भी तो गाड़ी चाहिए। मम्मी मम्मी बात करो ना। एक मिनट सॉरी, क्या बात है, स्कूल जाना है, तैयार कर दो ना। विमला इधर आओ, बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करो, ले जाओ इन्हें। नहीं तुमने, नहीं।
काजल काजल इतनी भी क्या बिजी हो, बच्चों को तैयार कर दो ना। रोमी प्रीति आओ मैं तुम्हें तैयार कर देती हूँ। नहीं नहीं, अच्छा नहीं रहने देते। अच्छा एक बात बताओ, लड़कों के कमरे में ब्लू कलर और लड़कियों के कमरे में पिंक कलर क्यों लगाते हैं? क्यों क्यों बताओ ना। ओके, क्योंकि लड़कों के नाम बिल होते हैं और लड़कियों के पिंकी। हम आपको किस नाम से बुलाएं? पापा की नई वाइफ बोलेंगे ना। चलो चलो देर हो जाएगी। अच्छा अब जल्दी जल्दी बताओ क्या तय किया तुम लोगों ने, क्या कह के बुलाओगे मुझे? हमने तय किया है कि हम तुम्हें माँ कह के बुलाएंगे। हाँ। माँ काजल काजल काजल, मैं ऑफिस आ रहा हूँ, नीचे आके टीका लगा दो। काजल, मिसेस झुनझुनवाला के बाल देखे थे, कितने लंबे थे यार। अरे काहे के लंबे बाल, वो तो विक थी। तुम्हें कैसे पता? उस दिन पार्टी में मेरा हाथ चला गया और उसकी विक मेरे हाथ में आ गई। ओह माय गॉड। काजल काजल, मुझे देर हो रही है। ये भी कुमकुम है और मैं भी आपकी पत्नी हूँ। पापा पापा ये देखो, माँ ने हमारे लिए स्कूल का टिफिन भी भर के दिया है और ये लो आपका टिफिन। थैंक यू। मेंशन नॉट। पापा पापा जल्दी चलो वरना हमारी स्कूल की बस छूट जाएगी। चलो। सुनो जी, बस में क्यों जाओगी तुम लोग, अपनी बड़ी वाली कार ले जाओ। पैसे तुमने कमाए, मैंने नहीं। चलो बेटा। अरे तुम अब तक जाग रहे हो, मैं तो समझी थी कराटे भर के सो रहे होगे। बच्चे सो गए? जानवी के पास सो गए। चलो अच्छा हुआ, जानवी से हिलमिल तो गए। और तुमसे दूर नहीं हो गए? क्या तुम भी, इतनी सी बात पर कोई किसी से दूर हो जाता है? काजल क्या आओ खाना खाते हैं। कोई तो, इतनी बड़ी पार्टी से कोई मुझे बिना खाना खाए आने देता है क्या? क्या शानदार डिनर था। बहुत खा लिया मैंने। काजल जब तक मैं खाना खाता हूँ पास तो बैठो। नहीं बाबा नहीं, थके चूर हो गई हूँ। एक मिनट और रुकी ना तो यही खड़े खड़े सो जाऊंगी। मैं सोने जा रही हूँ। अरे सुनो, डैडी नो वैकेंसी का मतलब क्या होता है? अरे इतना भी नहीं जानती, नो वैकेंसी का मतलब जगह खाली नहीं है। आई सी। चलो अच्छा किया तुमने टीका लगा दिया, कभी मुझे और काम हो तो बेफिक्र तो रहूं। अरे बाप रे, मुझे तो रोटरी क्लब की मीटिंग में जाना है। पता है आज उन लोगों ने मुझे ये चीफ गेस्ट बनाया है। अच्छा मैं चलती हूँ, पहले से देर होगी, चलती हूँ। बच्चों टाटा, चलती हूँ। अच्छा मैं ऑफिस चलता हूँ। याद से वक्त पर खाना खा लेना और तुम बच्चों को जल्दी ब्रेकफास्ट खिला देना, कहीं उनकी स्कूल की बस छूट ना जाए। छूट भी गई तो मैं स्कूल पहुंचा कर आ जाऊंगी। ओके बाय। अच्छा कम ऑन काजल, पत्ता फेंको। काजल ये नेकलेस नया है, काफी महंगा लग रहा है। हम पैसे वालों के लिए महंगा क्या सस्ता क्या, जिस चीज पर दिल आ गया सो खरीद ली। रिचा आज मिसेस राव नहीं आई? आज उसकी वेडिंग एनिवर्सरी है। बाकी के दिनों में भले ही पति की परवाह करे या ना करे, लेकिन शादी की सालगिरह का दिन तो पति के साथ ही गुजारती है और रात भी। काजल आज हमारी शादी की सालगिरह है, याद है कि भूल गई? एंड आई डिक्लेयर मेरा फुल हैंड, मेरे 30 पॉइंट। काजल तेरे कितने हुए? मेरा फुल हैंड। इससे नीचे उतरने के लिए अब और सीढ़ियां नहीं है बेटी।
माँ तू ये भी भूल गई कि आज तेरी शादी की सालगिरह है? याद आ गई तभी तो भागी चली आई। याद आ गई कहते हुए तुझे शर्म नहीं आती? कहाँ गई थी, कहाँ थी अब तक? वही तो, क्लब में पत्ते खेल रही थी। क्या? अरे झूठ ही बोल देती कि तू किसी की यहाँ पूजा कीर्तन में गई थी। तो थोड़ा कम जी जलता मेरा, दौलत का ऐसा नशा चढ़ा है तुझे कि तूने दामाद जी को ही भुला दिया। भगवान ना करे किसी दिन दामाद जी तुझे भुला दे तो तू कहीं की नहीं रहेगी। ऐसा मत कहो माँ, सब तेरी राह देख देख कर थक गए। बच्चे बेचारे कब से बाहर जाने के लिए तैयार होकर बैठे थे, आखिर दामाद जी और जानवी उन्हें घुमाने ले गए। अब मैं भी चलती हूँ, तुझे बताने के लिए रुक गई थी। माँ उन लोगों के लौटने तक रुक जाओ ना, इतने बड़े घर में मैं अकेली क्या करूंगी? उधर मेरे पति अकेले हैं और उनकी कोई दूसरी पत्नी भी नहीं है। ऑफिस चले गए ना? जी दीदी, वो तो कब के चले गए? मिस कर दिया। कल रात उन्हें मुझ पर बहुत गुस्सा आया होगा ना? नहीं तो? हाँ, थोड़े दुखी जरूर हुए थे। मैं भी बहुत दुखी हुई थी सच्ची, पर मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था ना। वो ये एक बार याद दिला देते तो क्या बिगड़ जाता। हम लोग सब मिलकर 5-स्टार होटल जाते, खाना खाते, मजे करते। सच्ची उन्हें गुस्सा नहीं आया ना? नहीं दीदी, बिल्कुल नहीं। वही तो, और मेरी माँ मुझे यूं डांट कर चली गई जैसे मैंने बहुत बड़ा पाप किया हो। चलो एक मौका निकल गया तो क्या, प्रीति का बर्थडे आ रहा ना, ऐसी पार्टी दूंगी कि हंगामा हो जाए। God bless you. Congratulations. जी नमस्ते। काजल, इस पार्टी में तुमने बहुत खर्च किया। हाँ यही 7-8 लाख। भैया आज मुझे अपनी बेटी का बाप होने पे फख्र महसूस हो रहा है। वो तो जादू करनी, ऐसा लगता है सारे शहर की खुशियां ऐसे मुट्ठी में समेट के लाई और ऐसे महफिल में छिड़क दिया। क्या पार्टी दी, मजा आ गया। नहीं नाना जी, मजा नहीं आया। मजा तो तब आता जब नानी जी हमें बर्थडे के दिन पिकनिक पे ले जाती और हैरी मामा हमें खूब हंसाते। अरे बेटा तेरा हैरी मामा अब हंसाने के काबिल नहीं रहा। क्यों? उसके हंसाने की बैटरी डाउन हो गई है। वो शादी करके फंस गया बेचारा, अच्छा खासा था कुआरा। आहा, ये देखो कितना प्यारा है। कुकू, ये देखो क्या है। अरे ये तो नानी माँ का केक है। ये आपको कहाँ से मिला? प्रीति की नानी दे गई थी। पार्टी में उतना बड़ा केक रखा हुआ देखकर अपने इस छोटे से केक की इज्जत बचाने के लिए मुझे चुपचाप दे गई थी। बोलो माँ, आपने कभी इतना अच्छा केक खाया है? नहीं, इतना अच्छा, इतना प्यार से बना हुआ कभी नहीं खाया। ए, चलो अभी ये वाला प्रेजेंट खोलते हैं। आपने मुझे क्यों कोई प्रेजेंट नहीं दिया? कहां से लाती? तुमने मुझे इतना महंगा प्रेजेंट पहले से दे रखा है कि उसके मुकाबले का प्रेजेंट मैं 10 जन्म में भी नहीं दे सकती। लेकिन हमने आपको क्या दिया? प्यार, जिसके लिए मैं बहुत तरसती थी। ये चलो चलो, पहले केक फिर प्रेजेंट्स, प्रीति को खिलाओ। ओहो, मैं तो थक गई हूँ। मुझे तो पसंद ही नहीं है ये मेहंदी वेंदी लगाना, एकदम मिडिल क्लास वालों की चीज है ना। पर क्या करूँ, सब लोगों ने जिद कर ली कि आज करवा चौथ का दिन है, आपको मेहंदी कंपटीशन में हिस्सा लेना है। मैं ऑफिस जा रहा हूँ काजल, टीका लगा दो। क्या तुम भी? देखते नहीं मेहंदी लगाई हुई है। तो फिर क्या ऐसे ही चले जाऊँ? ऐसे क्यों जाओगे, जानवी है ना, उसे कहो। जानवी, जानवी तुम्हें टीका लगा दो। जी। चलो जी
आज अपने हाथ से ही लगा लो। आज बिना टीका लगाए जाता हूँ, देखता हूँ कौन सा अपशगुन होता है। सुनिए जी, टीका मैं लगा देती हूँ। कोई सच्चे दिल से करना चाहे तो क्या नहीं कर सकता। चलता हूं। रोमी, प्रीति, विमला जी मैम, कोई दिखाई नहीं दे रहा, सब लोग कहां हैं? साहब और बच्चे जानवी मैम साहब के साथ फैंटेसी पार्क गए हैं। फैंटेसी पार्क? बच्चों ने मेरे आने का बहुत इंतजार किया होगा ना? नहीं मैम साहब। वही तो, जाइन व्हील पर चक्कर खाने को मिले तो बच्चे मुझे क्या, सारी दुनिया को भूल जाएंगे। पर साहब ने तो जरूर कहा होगा ना कि पहले काजल को आने दो फिर चलेंगे। हाँ साहब ने तो कुछ नहीं कहा। चल हट, तेरे सामने ऐसा बात करेंगे, बच्चों से कहा होगा, तूने सुना नहीं होगा। मैं तो वही खड़ी थी, साहब ने कुछ नहीं कहा। तो वहां क्यों खड़ी थी? घर में जो भी बातें होती है सुनना जरूरी है। हाँ जाओ जाके अपने काम करो, काम कुछ नहीं करती और सुनती रहती है सब। बेटी अकेली बैठी हो? ओ आइए आइए, अभी अभी शॉपिंग करके आई हूँ इसीलिए आराम कर रही हूँ। वैसे तो सब ठीक ठाक है ना? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। जितनी रकम आपको उन दिनों में किराए में देती थी ना, उतनी तो अब मेरे कुत्तों के बिस्किट्स के लिए भी पूरी नहीं पड़ती। अब किराया देती कब थी तुम? वो कितना छोटा मकान था ना, सारा दिन पति और बच्चों को अपनी नजर के सामने देखते देखते बोर हो जाती होगी। ये तो कितना बड़ा बंगला है, हर आदमी का अलग अलग कमरा होगा ना, हर कमरे में एसी भी होगा, इसीलिए तो आदमी चैन से रह सकता है अकेला। बहुत शानदार बंगला है। ये टीवी इंपोर्टेड है? ये साउंड सिस्टम भी इंपोर्टेड है? यहाँ पे तो सब चीज इंपोर्टेड दिखती है। मैं भी क्या पूछ रहा हूँ, तुम तो सौतन भी इंपोर्टेड लाई हो। पतिदेव कहाँ है तुम्हारे, छुपा के रखे हैं? वो बच्चों के साथ फैंटेसी पार्क गए हैं। जानवी भी गई है? कितनी बेवकूफ लड़की है ना, पति और बच्चों को खुश रखने के लिए मामूली पार्क में जाने की क्या जरूरत है? 10,000 फेंको तो क्या बच्चे नहीं हंसेंगे, 20,000 फेंको तो पतिदेव खुश नहीं होंगे। मगर उसमें तेरी जितनी अकल नहीं है ना, वही तो, अमीर घराने की लड़की है, दुनिया घूमी है, फिर ये मामूली पार्क में क्या देखने गई होगी? कहीं ये देखने तो नहीं गई कि बच्चे झूले पे झूलकर कैसे खुश होते हैं और उनको खुश देखकर पतिदेव का मुंह कैसे खिल उठता है। चलो क्या कर रही हो काजल? क्यों नहीं बताया कि आप लोग यहाँ आ रहे हो? मैं भी साथ आ जाती। पता नहीं था तुम कब लौटोगी, और फिर बच्चों ने जिद की इसलिए हम चले आए। चलो अच्छा किया, हम घर चलते हैं। तुम चलो, हम आते हैं। अब तक नाराज हो? नहीं। तो फिर चलते क्यों नहीं? क्योंकि कार में बैठने की मेरी हैसियत नहीं है, मैं बस से आ जाऊंगा। जानवी दीदी, जब वो बस में जा रहे हैं तो मैं कार में कैसे जा सकती हूँ?
आओ बच्चों, हम लोग चलते हैं। हम पापा के साथ आए थे ना मम्मी, अब आपके साथ जाएंगे तो उन्हें बुरा लगेगा ना। चल प्रीति। आइए ना रोमी। प्रीति चलो अपने कमरे में आके सो जाओ। चलो नहीं, मुझे यहीं खेलना। बाकी कल खेलो। चल हमें यही अच्छा लगता है माँ के पास। तुम्हारी माँ मैं हूँ। मैं तुम तो मम्मी हो, माँ तो ये है। चलती है ये, लगा दो थप्पड़। चल बंद करो, बंद करो। चल तुम्हें अलग से कहना पड़ेगा। नहीं बहुत होशियार समझ रही है अपने आपको वही तो, मगर मेरे साथ ये चला कि नहीं चलने वाले। माँ है माँ। ध्यान नहीं दिया, ये तो मेरे पति और बच्चों की सबसे बड़ी हमदर्द बन बैठी। अरे यूं यूं लुभा लूंगी उन सबको। दो दिन, सिर्फ दो दिन मेरे हाथ का बना नाश्ता खाएंगे ना तो भूल जाएंगे उसके पास आना जाना। अरे सुनो जी, जल्दी लगाओ नाश्ता डाइनिंग टेबल पर। आप देखना कैसे मांग मांग कर खाते हैं। अच्छी गुड़िया, क्या पराठे बनाए, एक पराठा और देना। वाकई जानवी, आज नाश्ता बहुत ही टेस्टी बना है। कमबख्त आंखें नहीं खुली जल्दी, अलार्म लगा के कल सुबह और जल्दी उठूंगी। क्या करूं जानवी, मैं जा रहा हूं। जल्दी आना। अब तक तो तुम पर तरस आता था, लेकिन अब वो भी नहीं आता। कितना गुस्सा करने लायक मैंने क्या कर दिया? हाँ क्या कर दिया मैंने? शट अप! मेरे पूछे क्या किया मैंने? जवाब दो, मैंने क्या किया? इतनी बड़ी गलती करके पूछती है क्या किया है? अरे तूने तो खुद अपने सुखचैन में आग लगाई है और पूछती है लपटे क्यों उठ रही है? बहुत रुपया कमा लिया ना तूने, सारी जिंदगी खर्च नहीं होंगे, लेकिन आप उन रुपये को खर्च करने लायक जिंदगी बची है तेरे पास? एक कटोरी शक्कर मिलेगी जानकी बहन? लाती हूँ। तो काजल है ना बेटी, मेरा पति मुझे छोड़ गया, तू तो खुद अपने पति को छोड़ आई, हम दोनों की ही किस्मत फूटी निकली। ये क्या अजीब सी बात कर रही हो काजल, तुम अपने होश में रहो। होश में आ गई हूँ इसीलिए कह रही हूँ, मैं ही जानती हूँ मैंने क्या खोया है। नहीं चाहिए मुझे ये बंगला, ये कार, ये सब कुछ, कुछ भी नहीं चाहिए।
अरे बेटी तुझे नहीं चाहिए तो मुझे दे दे, झगड़ा खत्म हो जाए इसी बहाने। आप एक मिनट के लिए चुप रहेंगे? वो कुछ बोल रही है। बोल बेटी बोल। किससे कहिए अपनी सारी दौलत वापस ले ले और मेरा पति मुझे लौटा दे। काजल तुम कैसी? आप जरा ठहरिए। और इस बात का मतलब क्या हुआ दीदी? मतलब साफ है, अपना बोरिया बिस्तर बांधो और वापस चले जाओ अपने घर। मेरे यहाँ से चले जाने से आपको आपके पति वापस मिल जाएंगे, हो सकता है वो भी मेरे साथ ही चले जाए। देखा माँ, देखा कितने रात से बात कर रही है। एक तो मेरे पति और मेरे बच्चों को मुझसे दूर कर दिया और वापस आई। क्यों उस बड़ी लड़की को कोस रही हो काजल? तूने अपनी गृहस्थी खुद ही तो उजाड़ी है दौलत और शान की खातिर। देखो काजल, हमारे दामाद पे मेरी जानवी का हक तुमसे कहीं ज्यादा है। अच्छा, वो कैसे? वो कैसे? कानूनन वो राज की पत्नी है और राज से प्यार भी करती है। यानी कि मैं नहीं प्यार करती उनसे? तुम प्यार क्या जानो जिसने पैसों के लिए अपने पति को बेच दिया। किस मुंह से कह रही हो कि जानवी चली जाए यहाँ से? तुम क्यों नहीं चली जाती घर छोड़ के? बदले में जितने पैसे मांगोगी मैं दूंगा। आओ बेटी। बड़ा अच्छा मौका है बेटी, मांग ना। वो मांगी रकम मिल जाएगी तुझे, 10 बंगले 20 गाड़ियां और खरीद सकती है तू। बाबा जी। बेटी ऐसे मैं क्या बोलूं, मुझे तो अल्फाज ही नहीं मिल रहे हैं। दौलत में ही सारा सुख है, यही कहा था ना तुम्हें काजल? आज तुम्हारे पास सारी दौलत है लेकिन मैंने तुमसे बड़ा गरीब नहीं देखा। पैसे मिलेंगे तो क्या तुम मुझे और प्रीति को भी बेच दोगी? आ, 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 आ,